हम आपको अयोध्या लिए चलें। हमारे तमाम सहयोगी आपको अलग अलग एंगल से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो झांकी दिखा रहे हैं, वही लोगों का मन मोह ले रही है। गुंजन दिखाई दे रही है, अवधेश दिखाई दे रहे हैं। अवधेश का रुख करें, अवधेश के पीछे भी बहुत हलचल है। अवधेश, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ क्या हो रहा है? चलिए अवधेश, अवधेश जब तक टेक्निकली चीजों को ठीक करते हैं, गुंजन का रुख करते हैं। गुंजन ने सुबह से जिस तरीके की झांकियां दिखाई, हर एक झांकी की खासियत बताई, और अब जिस पड़ाव पर गुंजन है उसके बारे में भी बताएंगी। जी गुंजन, बिल्कुल स्नेहलता, अब ये जो शोभा यात्रा है हनुमानगढ़ी चौराहे से आगे बढ़ चुकी है और यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी गई है, क्योंकि कुछ लोगों के घर भी हैं, बाजार भी है, मुख्य बाजार है यहाँ पर, कि शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है और अपने अपने मोबाइल के कैमरों में कैद करने के लिए अपनी अपनी छतों पर आ जाए। शोभा यात्रा आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर यह अनाउंसमेंट हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलाकार हैं आगे बढ़ रहे हैं। ये ब्रज की संस्कृति है, जो रसिया गायन यहाँ पर होता है उससे जुड़ा एक रूप है जो आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, शहनाई बजाई जा रही है और इसी तरीके से शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। और इसके पीछे इसने लता एक के बाद एक 11 झांकी हैं। सबसे पहली झांकी के आगे इस वक्त हम आ चुके हैं जहां से इस शोभा यात्रा की शुरुआत हो रही है। पहली झांकी आ चुकी है और अब ये जो कलाकार हैं आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए राम सीता के दर्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि राम सीता सबसे आगे चल रहे हैं। जब राज्याभिषेक हुआ उसके बाद राम है, सीता है, लक्ष्मण है और साथ में हनुमान भी है। हनुमान से भी जरा बात करेंगे। श्री राम का जिक्र जब भी होता है हनुमान कभी पीछे नहीं रहते। अच्छा आप बोलेंगे नहीं, अच्छा तो अपने राम जी के लिए कुछ एक नृत्य तो हो जाए। जय श्री राम, तो देखिए इशारे से वो करके बता रहे हैं जय श्री राम। तो राम सीता और हनुमान और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं। पहली झांकी इस तरफ है जो अब आगे बढ़ रही है। पहली झांकी बाल्यकांड की है जो हम इसने लता आपको दिखा चुके हैं। श्री राम के जीवन को ये झांकी पूरी तरीके से दर्शाती है। धनुष तोड़ने से लेकर धनुर्धर विद्या तक हर एक दृश्य पहली झांकी में उकेरा गया है। कटआउट्स लगाए गए हैं, वनवास का भी जिक्र है और श्री राम के जन्म से इसकी शुरुआत की गई है। और अब इसके पीछे आप देखिए, ये एक अलग झलक है, अलौकिक छटा है जो आप देख रहे हैं। अयोध्या की नगरी बहुत पहले से तैयारियों में जुटी है, लेकिन आज जब वो दीपोत्सव का दिन आया है तो यहाँ पर किस तरीके से नाचना हो रहा है, गाना हो रहा है और अलग अलग जिले की संस्कृति को दिखाते ये कलाकार बिल्कुल राममय नजर आ रहे हैं। बेशक किसी भी जिले से उत्तर प्रदेश के आए हों, लेकिन आज सब कुछ अयोध्यामय है, राममय है और ये नाचना गाना शुरू है। कहाँ का नृत्य है ये? हमारे अवध का पारंपरिक लोक नृत्य है, ये अवध क्षेत्र का, अयोध्या का ये है। कैसा लग रहा है फिर अवध, अवध का नृत्य श्री राम जी के आगमन से पहले? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम जो है प्रभु श्री राम की उनके चरणों में हम अपना नृत्य जो है परोस रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।